रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। राज्यसभा से भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हो जाने के बाद भोपाल में इसकी खुशी साफ तौर पे देखी जा सकती है। हम इस वक्त भोपाल के बैरागढ़ इलाके में मौजूद है, जहां पर सिंधी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सुबह यहां पे मिठाइयों का दौर चला और अब एक दूसरे से मिलकर के ये बधाइयां दे रहे हैं इस बिल के राज्यसभा से भी पारित हो जाने के बाद। लोकसभा में बिल पहले ही पारित हो गया था, उस दिन भी लोगों ने खुशी मनाई थी, लेकिन क्योंकि अब राज्यसभा जो कि बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, वहां पर भी ये बिल पास हो गया है। तो वो लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, अब वो ये क्या सोचते हैं, कितनी बड़ी खुशी आज उनके लिए है, एक नई सुबह हम कहेंगे हिंदुस्तान में हुई आज, नई सुबह हुई है, नई सौगात मिली है। और आप को मैं बताना चाहूंगा कि वो लोग जो आ रहे हैं पाकिस्तान सिंध से, अपना देश कौन छोड़ता है, अपनी माँ से जुदा कौन होता है, कौन अपना घर बार छोड़ना चाहता है। लेकिन देखिए, कोई मजबूरी तो रही होगी ना, वहाँ बहन बेटियों की बेइज्जती हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए मजबूर धर्म परिवर्तन हो रहा है। इन तमाम मजबूरियों को देखते हुए सब बेचारे यहाँ आ रहे हैं। हिंदुस्तान अकेला देश हिंदुस्तान है जहाँ हम रह सकते हैं, और संसार के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ रहने के लिए हमें कोई स्थान मिले। आप लोग जब आए थे तब क्या स्थितियाँ थी वहाँ पर? जब हम वहाँ आए तो हमको एकदम बोला जाओ जाओ जाओ, हम भगाया गया, हमको मारा गया, हमको परेशान होना पाया। मैं 36 का मेरा जन्मदिन है, मैं 10 साल की आयु में वहां से आया हूँ। 1950 में मैं बैरड में आया हूँ, मैंने भोपाल उज्जैन की गाड़ी में मूंगफली बेची है। और इन तमाम परिस्थितियों देखते हुए आज मैं शिक्षा जगत की का बड़े बड़े स्कूल कॉलेज देखता हूँ। ये सब इसलिए हुआ कि मैं पुनः अपने भारत माता के चरणों में आ गया, अपने घर में आ गया, अपने हिंदुस्तान में आ गया, और तमाम मुझे सुविधाएं मिली, नागरिकता मिली। इसलिए जो दूसरे हमारे भाई आ रहे हैं उनको ये सौगात मिली है नागरिकता की। मैं मोदी साहब का, प्रधानमंत्री का बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप बताएं कि अगर हम राजनीति से हट के देखें तो क्या स्थितियाँ रहती हैं जब आप लोग यहाँ आए होंगे, भारत में आए होंगे, किस तरीके की स्थिति थी यहाँ पे, क्या आसानी से आप लोगों को कबूल कर लिया गया था उस वक्त जब आप यहाँ पहुंचे थे, या फिर समय लगा थोड़ा, और अब क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि आप अपना मुल्क छोड़ करके यहाँ जब आए? वास्तव क्या है, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो स्थिति ये थी कि हमारे जो बड़े पूर्वज थे वो तो वहां पर बंगलों और महलों में रहते थे, लेकिन एकदम इसकी जब घोषणा हुई देश के विभाजन की तो वो सब कुछ छोड़ के आए। उस समय साथ में क्या लाए, थोड़े बहुत नकदी, सोना चांदी और अपने बच्चों को ले आए, और ऐसे महलों में रहने वाले कैंप में दाल रोटी के लिए जो जब उठा थे, लेकिन कहते मरता क्या न करता, उन्होंने हिम्मत बांधी, हिम्मत की, और छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में किसी ने किराने की दुकान खोली, किसी ने कपड़े का हाट बाजार लगाई और मजदूरी की, और लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसके कारण है आज पूरे विश्व में सिंधी समाज फैला हुआ है और अपना कारोबार में सबसे अव्वल है। लेकिन सबसे बाद हमारे पूर्वजों ने हमें जो सौगात दी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, भले तुम्हें मूंगफली बेचना पड़े, तुम्हें जो है जमीन पे काम करना पड़े, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। और आपने देखा होगा कि विश्व में आज जो है सिंधी समाज पूरे विश्व में माना जाता है व्यापार व्यवसाय में, और उसके कारण आज धीरे धीरे अपने व्यवसाय के साथ साथ हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी बड़े हुए हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, और कुछ 10-20% जो लोग पाकिस्तान में रह गए, जो है बांग्लादेश में रह गए, अब वह वापस अपने देश में आना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी इज्जत नहीं होती। हमारी कई बहन बेटियों पर गलत निगाहों से देखा जाता है, उनको इस्लामीकरण किया जाता है, लेकिन वो आना चाहते हैं और उनको नागरिकता चाहिए भारत में, क्योंकि भारत के साथ कोई हिंदू देश है ही नहीं जहां पर वो नागरिकता चाहे। लेकिन 10-10 साल से वो उस लाइन में खड़े अपनी नागरिकता लेंगे, लेकिन यह बिल पास होने से, जब बिल आ जाने के बाद अब उनको नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं। करा आप सब लोगों ने आज एक दूसरे का यहां पे इंतजार हो रहा था क्या इस पल का वक्त से? बिल्कुल, हमें कई वर्षों से ये लग रहा था कि आगे चल करके हमारी सरकार कुछ हमारे हिंदुओं के बारे में सोचेगी जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां लड़कियों के साथ, हमारे बहनों के साथ रेप हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको जबरन मुसलमानों के साथ शादियां की जा रही है, उनके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा की जा रही थी। वह सभी शरणार्थी भाग भाग कर हिन्दुस्तान आते थे और हिन्दुस्तान में यहां पर उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, तो बेचारे हिंदू देश में नहीं आएंगे तो और कहां जाएंगे, कहां शरण लेंगे। आप बताएं, जिस तरीके से हमने देखा, क्या लोकसभा से जब ये पूरा बिल पारित हुआ था उसके बाद राज्यसभा जा रहा था, किसी तरीके की शंका थी, कुछ बात था कि क्या पता वहां पे हो पाएगा या नहीं,
इंतजार ज्यादा लंबा था? नहीं, शंका तो थी क्योंकि राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए जोड़ तोड़ करनी पड़ी और ये सौभाग्य की बात है कि कुछ पार्टियों ने लीक से हटकर इस बिल को समर्थन दिया और हमारे पूर्वज तो 47 में आ गए थे लेकिन 74-75 के बाद जो वहां के सिंधी हिंदू वहां के आतंकवादियों से परेशान होकर आए उनकी नागरिकता के प्रकरण जो सालों से लंबित थे इस बिल के पास होने के बाद अब उनकी नागरिकता आसान हो जाएगी और हमारा तो सरकार से यह अनुरोध है कि उनके अगर इसके बाद भी अगर इस समय वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 10 से 11 लाख सिंधी हिंदू निवास करते हैं और कम से कम 22 लाख जो है पंजाबी जो हिंदू हैं वो निवास करते हैं तो हमारा तो अनुरोध है कि उन सबको हिंदुस्तान में बुला लिया जाए और उनके रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने अपने देश में आए। पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं कई हैं जो इसका विरोध भी कर रही हैं कि ये तो एक खास धर्म को निशाना बनाने के लिए किया गया, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, देखिए ना, हिंदुस्तान में मुसलमान तो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितने मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं सुखी हैं शायद कहीं पर सुखी नहीं है तो जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक विरोध है। चलिए, तो जनता भी समझ रही है कि विरोध जो है वो राजनीतिक है, जनता को ऐसा लग रहा है। ये तमाम सिंधी समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो ये भोपाल में आज सुबह निकले हैं एक दूसरे से मिलने के लिए क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल के पारित होने के बाद इन लोगों के लिए कम से कम सालों बाद ये एक नई सुबह का आगाज है जिसको इन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा करके मनाया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। We'll be right back.